हेलो दोस्तों एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी मिसी को। दोस्तों ब्लॉगर सीरीज के इस वीडियो में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं कि लेबल को लेकर के काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर लेबल को लेकर के एक डीपली वीडियो बनाइए, अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाइए मुझे कि लेबल क्या होती है, लेबल क्यों बनाते हैं और लेबल बनाने के बाद उसे पोस्ट पर लगाते कैसे हैं और लेबल लगाने के बेनिफिट्स क्या है और पोस्ट को कैटेगरी वाइज में डिवाइड कैसे करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं इस लेबल को लेकर के ब्लॉगर में। मैं स्पेशली ब्लॉगर की बात कर रहा हूँ, वर्डप्रेस के नहीं, ठीक है। ब्लॉगर में मैं सारा कुछ करके दिखाने वाला हूँ, पूरा प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाला हूँ कि ये सारा जो प्रोसीजर है, सारा फंडा है लेबल का, वो क्या होता है, क्यों होता है, कैसे करना है, ठीक है। आपके दिमाग में कहीं सवाल होता होगा कि जैसे कि फोटो आप एक वेबसाइट डिजाइन की है, वेबसाइट पे आप मेन्यू बार में जस्ट एक लेबल लगा दिया है, सॉरी टैग टाइटल लिख दिया है कि फोटोशॉप आफ्टर इफेक्ट प्रीमियम प्रो वॉट एवर, जो भी लिखे आप। फोटोशॉप पे कोई बंदा क्लिक करे तो सिर्फ फोटोशॉप का पोस्ट खुलना चाहिए, आई एम राइट। आफ्टर इफेक्ट पे क्लिक करे तो सिर्फ आफ्टर इफेक्ट का पोस्ट खुलना चाहिए। प्रीमियम प्रो पे क्लिक करे तो सिर्फ प्रीमियम प्रो का पोस्ट खुलना चाहिए। तो इस तरह पार्टिकुलर हर पोस्ट पे आपको उस कैटेगरी लेबल उस पोस्ट पे आपको लगाना होगा जो आपको डिवाइड करना है। जैसे कि फोटोशॉप का फोटोशॉप में लगाना होगा, आफ्टर इफेक्ट का आफ्टर इफेक्ट में लगाना होगा, प्रीमियम प्रो का प्रीमियम प्रो लगाना होगा। तीन कैटेगरी को मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। वीडियो के एंड में आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज जरूर होगी इस लेबल को लेकर। तो खैर चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे दोस्तों बता दूं, अभी तक आपने देसी मिसी को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ मैं अक्सर लाता रहता हूँ जो आपके लिए इंटरेस्टिंग और यूजफुल होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले चले जाए अपने डैशबोर्ड पर जहाँ पर आपको वर्क करना है। जैसा कि मैं अपने डैशबोर्ड पर आ गया, ब्लॉगर डन, ये वेबसाइट को मैं ओपन करके दिखाऊँ तो ये वेबसाइट लास्ट जो मैंने ब्लॉगर की वीडियो डाली थी वो सेम वो वेबसाइट है, ये देख सकते हैं आप, डेमो वेबसाइट है मेरा ये। इसमें अभी एक भी पोस्ट नहीं है, यहाँ पे लेबल एक भी नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे लेबल क्रिएट करने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा। बट लेबल यहाँ पे नहीं रहेगी अगर आपका पोस्ट नहीं रहेगा, उस लेबल के अंदर कोई भी पोस्ट नहीं रहेगा तो लेबल यहाँ पे शो ही नहीं करेगी। डन, मतलब ब्लैंक लेबल नहीं रहेगा आपके ब्लॉग पे अगर उसके अंदर कोई पोस्ट नहीं है तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हम लोग पोस्ट बनाते हैं कैटेगरी वाइज, वो कैसे करते हैं चलिए देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं। हम लोग मैं दो एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है, फोटोशॉप एंड देन आफ्टर इफेक्ट। सिंपली आपको क्या करना है, न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे लिखना है टाइटल, कुछ भी लिख दिया, जैसे कि फोटोशॉप 001 ये टाइटल है इस पोस्ट में, समझिए आप कुछ भी लिख दीजिए आप, वॉट एवर जो भी आपका दिल करे उस पर लिख दीजिए आप। डन, इमेजेज वगैरह जो भी जैसे नॉर्मली पोस्ट करते हैं सारा पोस्ट कर लिया। अब ये पोस्ट तो हो रहा है मेरा, बट इसमें लेबल कहाँ लग रहा है सर, लेबल देखिए यहाँ पे दिया हुआ, कैटेगरी इसे बोल सकते हैं, वर्डप्रेस में से कैटेगरी बोलते हैं, यहाँ पर लेबल बोलते हैं। अब इस ये फोटोशॉप का टाइटल मेरा फोटोशॉप का पोस्ट है तो इसमें फोटोशॉप का लेबल लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ना फोटोशॉप। डन, अब ये कैटेगरी जो है आपके ब्लॉगर में कहीं ना कहीं सेव हो जाती है, एक बार बनने के बाद सेव हो जाती है, दोबारा आपको लिखना नहीं पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगा करके। यहाँ फोटोशॉप लिख दिया मैंने, ये फोटोशॉप का पोस्ट है तो इसे फोटोशॉप का टैग लगा दिया मैंने, लेबल लगा दिया, डन लग गया, ये पब्लिश कर देते हैं इसे, ये हो गया मेरा एक पोस्ट, टैग क्या लगाया मैंने फोटोशॉप, ये मेरा पोस्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फोटोशॉप दिख रही है आपको, है ना। अगेन हम न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं फोटोशॉप टू लिख लिया मैंने। अगेन यहाँ पे कुछ जो भी डिस्क्रिप्शन है आपका, जो भी पोस्ट है सारा कुछ लिख लिया यहाँ पे। अब अगेन आप लेबल पे क्लिक करें, अब देखिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जो भी आप जितना भी लेबल बनाएंगे ना यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करेंगे, यहाँ पे देखो फोटोशॉप शो कर रहा है ना, सिंपली इस पर क्लिक कर दे आप, बस डन लग गया लेबल, अगेन पब्लिश कर दे, ठीक है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़े, आप गौर कीजिएगा। अगेन न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं, अगेन फोटोशॉप लिख ले, फोटोशॉप पे बना देते हैं फोटोशॉप 003। डन, अगेन यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख ले। इस बार देखिए मैं आपको कुछ दिखाने वाला यूनिक चीज़ कि यहाँ से मैं लेबल नहीं लगा, फॉर एग्जाम्पल आप भूल गए नहीं लगा पाए, इसे पब्लिश कर दिया, नहीं लगाया ना मैंने लेबल, इसे पब्लिश कर दिया तो क्या होगा सर, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, लेवल आपका ये बन चुका है, डेटाबेस में सेव है, लेवल पे क्लिक कर, यहाँ देखिए फोटोशॉप का आपको एक लेवल बन चुका है आपके ब्लॉगर में, कहीं ना कहीं वो सेव है, स्टोर है। तो आपको करना कुछ नहीं, अगर लगाना भूल गए तो सिंपली इसे चेक करें, लेवल पे यहाँ क्लिक करें, देन फोटोशॉप सेलेक्ट करें, यहाँ पे देखें फोटोशॉप का लेवल लग गया, जिसे देन इसे अनचेक कर दें, लग गया लेवल, बाद में अगर नहीं लगाया तो फिर बाद में भी लगा सकते हैं अगर भूल गए तो। ये तीन मैंने फोटोशॉप का लेवल बना दिया, अब मैं बनाता हूँ आफ्टर इफेक्ट का, इस पर क्लिक करते आफ्टर इफेक्ट 01, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, बार बार ऐसे यूज करने के लिए। देन यहाँ पे कुछ भी पोस्ट लिख दिया, जैसे नॉर्मली पोस्ट लिखते हैं, अगेन यहाँ पे क्लिक करें आफ्टर इफेक्ट, जब मैं यहाँ 001 हटा देता हूँ, आफ्टर इफेक्ट का मैंने टैग लगा दिया यहाँ पे, डन लग गया, ये पोस्ट हो गया आफ्टर इफेक्ट का, देन पब्लिश,
एक और पोस्ट कर लेते हैं इसका हम यहाँ पे, देखिए सबका सामने देख रहा होगा आपको टैग, है ना। न्यू पोस्ट पे क्लिक करें, अगेन यहाँ पे टू टैग्स लिख लीजिए, देन यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेबल लगाना भूल गए, डजेंट मैटर, पब्लिश कर दीजिए, बाद में लगा लेंगे हम लोग। इस पर चेक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आफ्टर इफेक्ट यहाँ पे भी आ गया, इस पर क्लिक कीजिए, लेबल लग गया, एंड देन इसे अनचेक कर दें, डन। ये मेरा पोस्ट हो गया। आप अपने ब्लॉग पे ऐसे रिफ्रेश करें, यहाँ पे आपको 5 पोस्ट दिखेंगे जो मैंने क्रिएट किया। इमेजेस कुछ भी नहीं लगा, इसलिए इमेजेस यहाँ पे नहीं दिख रही, आप गौर कीजिएगा, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट का 1, आफ्टर इफेक्ट 2, बट यहाँ पे सब दिख रही है। बट अब आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे फोटोशॉप लिखा हुआ हो, यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट लिखा हो। अगर कोई बंदा फोटोशॉप पे क्लिक करे तो फोटोशॉप खुलना चाहिए, आफ्टर इफेक्ट क्लिक करना चाहिए, सिर्फ आफ्टर इफेक्ट का पोस्ट खुलना चाहिए, राइट। ये देखिए कैसे होगा। सबसे पहले ये करने के लिए आपको आपके ब्लॉग पे कहीं ना कहीं लेबल का जो टैग है कहीं ओपन होना चाहिए, जैसे कि क्लाउड, ये लेबल है यहाँ पे, है ना। आफ्टर इफेक्ट फोटोशॉप, दो लेबल आप यहाँ पे बनाए, और कहीं दिख रहा क्या? अगर ऑन करके रखे होंगे तो दिखेगा, अगर नहीं भी दिखेगा तो कैसे ऑन करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे चले लेआउट पे, ये सारा जो मैनेजमेंट है सारा लेआउट से होता है। लेआउट पे आ जाते हैं हम लोग, लेआउट पे आ गए। अब यहाँ पे देखें, ये देखें लेबल दिख रहा है ना, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे नहीं है, रिमूव, यहाँ पे नहीं है, मैं आपको पूरा ए टू जेड क्लियर करके बता दूंगा, है ना। यहाँ पे नहीं है लेबल, तो वो कहाँ से, आपको लेबल पे वर्क करने के लिए लेबल यहाँ पे दिखना जरूरी है आपका, तो वो कैसे दिखेगा? आप देखिए यहाँ से ऐड गैजेट पे क्लिक करते हैं, देन यहाँ पे आप लेबल चूज कर लीजिए, लेबल होगा यहाँ पे, ये लेबल, प्लस पे क्लिक कीजिए, देन सेव, लेबल लग गया यहाँ पे। चलिए ऊपर ही रहने देते हैं, ड्रैग करके ऊपर नीचे कहीं पे भी सेट कर सकते हैं आप, बट ऊपर ही रहने देते हैं। ब्लॉग पे कैसे रेफरेंस करते हैं, यहाँ पे लेबल दिख रहा है मेरा, ये लेबल ऑन होना जरूरी है, मतलब यहाँ से हम लोग लिंक लेंगे इस वजह से। अब देखिए यहाँ पे काम करना है हम लोगों को, चले आता अपने ब्लॉग पे। इस थीम में एक डिमेरिट है कि ये जो मेन्यू बार है इसे हम HTML कोडिंग से जाके एडिट करना पड़ेगा, ये लेआउट से नहीं हो सकती है, थोड़ी सी इस थीम की ये डिमेरिट है ये बस। तो इसे हम लोग जाना होगा हम लोग थीम में, और एडिट HTML यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल F करते हैं, देन उस लोकेशन को फाइंड करते हैं, जैसे होम लिख करके से जस्ट फाइंड कर लेते हैं हम लोग कि वो लोकेशन एग्जैक्ट है कहाँ। ये देखिए वो लोकेशन मिल गई मुझे, है ना। सबसे फर्स्ट में क्या ब्लॉग है, फॉर्म्स है, यहाँ पे देखें आप, ये ब्लॉग है, ये डन। अब इस ब्लॉग पे चाहते हैं कि जब ये बंदा कोई ब्लॉग पे क्लिक करे, यहाँ पे फोटो सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पे जो ब्लॉग लिखा हुआ है इसे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे फोटोशॉप। अब चाहते हैं कि बंदा ये फोटोशॉप पे क्लिक करे तो यहाँ पे सिर्फ फोटोशॉप का पोस्ट खुलना चाहिए, तो फोटोशॉप का लिंक कहाँ से लेंगे हम लोग, इसलिए मैंने ये लेबल ऑन करवाया था। फोटोशॉप पे क्लिक करें, ये फोटोशॉप के लेबल का पोस्ट खुल गया, इस लेबल को कॉपी कर ले यहाँ से, और इस पर आकर के यहाँ पे जो URL है इसे चेंज कर लेंगे, यहाँ से HTTP से लेकर के पूरा एक्शन तक, यहाँ कंट्रोल V, ये लेबल लग गया। दूसरा यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। अब आफ्टर इफेक्ट का लिंक लेना होगा मुझे, तो वो कैसे लेंगे, यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये आफ्टर इफेक्ट का जो लेबल का लिंक है वो आ गया, इस पर क्लिक करेंगे कॉपी, देन यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे जो HTTP यहाँ से ऊपर से जो स्लैश घेरा हुआ है दोनों साइड में, दोनों साइड के बीच का लिंक को यहाँ पे कंट्रोल V करके चेंज कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, डन। अब इसे सेव थीम करवा देंगे, अपने ब्लॉग पे चले, होम पे क्लिक करें, ये देखें यहाँ फोटोशॉप, यहाँ आफ्टर इफेक्ट। अब क्या होगा कि कोई बंदा जब फोटोशॉप पे क्लिक करेगा तो देखिए अब सिर्फ फोटोशॉप का पोस्ट खुल रहा है यहाँ पे, 1, 2, 3 आफ्टर इफेक्ट का पोस्ट नहीं दिख रहा, कैसा कैटेगरी वाइज डिवाइड हो गया ना। अब आफ्टर इफेक्ट पे क्लिक करेगा तो सिर्फ आफ्टर इफेक्ट का पोस्ट दिखेगा, देख सकते हो। तो ये डिवीजन होता है कि आप अपने पोस्ट के ब्लॉग को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हो। ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिखाया है, बट आपके पास हज़ारों में पोस्ट होगा, 100, 200, 400, 500, तो इस कुछ इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं हर पोस्ट को। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं, मैंने एक जस्ट वेबसाइट बना रहा हूं फिलहाल अभी, इसमें कितनी सारी कैटेगरीज है, देखिए 3D है, Adobe है, एंटीवायरस है, बिजनेस है, डाटा रिकवरी है, इस तरह से बहुत सारी कैटेगरीज है यहाँ पे। देखिए वीडियो कन्वर्टर पे कोई बंदा अगर क्लिक करता है तो सिर्फ उसे सिर्फ वीडियो कन्वर्टर की फाइल्स ही मिलनी चाहिए यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं आप। तो इस तरह से कुछ डिवाइड कर सकते हैं फाइल्स को यहाँ पे, ये भी मैंने म्यूज़ बनाया हुआ, मल्टी मीडिया, वीडियो कन्वर्टर में ऐसे वीडियो कन्वर्टर खुलेगा, वीडियो एडिटर में ऐसे वीडियो एडिटर खुलेगा, वीडियो प्लेयर में ऐसे वीडियो प्लेयर खुलेगा। तो इस तरह से कुछ डिविजन्स कर सकते हैं आप अपने ब्लॉग में। तो आई होप कि आपको लेबल के बारे में जानकारी मिल गई होगी, आपका माइंड क्लियर हो गया, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि लेबल क्या होती है, लेबल क्यों लगाते हैं, लेबल कैसे लगाते हैं, पोस्ट को कैसे डिवाइड करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, वीडियो यूजफुल रहा होगा जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के लेटेस्ट
वीडियोज़ के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।